कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। अरे माँ चुदी पर ही मौत से बड़ा सच कुछ नहीं। मेरे घर में काला कुत्ता नहीं। मैं हूँ तांत्रिक चंदन शास्त्री। और मैं हूँ बाबूलाल मिस्त्री। घर में हमेशा कंगाली का स्थिति बना रहता है, तो औरत का कौन सा अंग आप अगर चूस लेते हैं या जीव डाल देते हैं, घर में धन की अभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हर तरीके से आप सेवा पूजा करें। की शादी के लिए कोई रिश्ता आता है और उसमें कोई रुकावट आ जाती है तो 5 नारियल ले ले और अपने सर पे फोड़ दें। और जाते जाते भाई नंदी जी के कान में अपनी सिफारिश लगा दें, हमारी शादी के लिए रिश्ता पक्का हो जाए। हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल घरेलू टुटके में। घरेलू टुटके में औरत के एक अंग को अगर आप चूस लेते हैं या जीभ डाल देते हैं, आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। अरे वाह! औरत के सभी अंग को जो है पवित्र माना गया है। अच्छा, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा एक ऐसा अंग को अगर आप चूस लेते हैं देश भी अब सबसे आगे निकलेगा। वो सब अपने बता रहे हैं। It's amazing. और ये कुछ लोग तो इतने वेले हैं कि उन्होंने बस गेम ही बना दिए। एक एक करके कार्ड्स को अगर उनका रेड आता है तो वो बोलेंगे बम बम बोले, और उनका ब्लैक आता है तो वो बोलेंगे हर हर महादेव। मतलब कि अगर इनको नासा में छोड़ देना तो अपने 2-4 रॉकेट भी लॉन्च कर दे। हर हर महादेव, बम बम बोले। ताश खेल रहे कुत्ते। नासा में भेज दो कोई इनको। आगे कंठ रख दिया है, फिर मैंने नेक्स्ट स्लिप खोली, इसमें लिखा है बाबा, तो भोले बाबा हो गए हैं हमारे। अरे कोई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दो यार इनको भी। ये कुछ लोगों के थंबनेल तो देखो फिर आप। शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग से उठा लाए ये चीज, तुरंत होगी पुत्र धन की मनोकामना पूरी। अबे इनका बस चले तो ये भगवान शिव को भी उठवा दे। और फिर इन वीडियो के कमेंट में जाकर देखो आप, माँ शिवरात्रि पर सुंदर बीवी पाने के टोटके बताइए। मंत्र चाहिए आंडू नांडू सांडू और काम कर गांडू। मैम मैं अभी किराए के घर में रहती हूँ, खुद का मकान भी है लेकिन ससुर जी नहीं दे रहे। एक काम कर, आज रात को 1.5 फीट का चाकू लेकर जा, उसके पेट में गपा गप गपा गप गपा गप गपा गप गपा गप गपा गप सब तेरे नाम। सेकंड बेबी के लिए मैं चावल वाला कर सकती हूँ। अबे येड़ी अपनी पति को जंगलों उंगलों में ले जा, कहीं पहाड़ों झरनों में ले। मंत्र बोलना भूल गई, नारियल चढ़ा दिया था और प्रार्थना कर दी थी, नंदी जी को भी बोल दिया था। मुझे लगा ये बताने वाले ही हलवे हैं, लेकिन ये देखने वाले तो उससे भी बड़े हलवे हैं। मैम एग्जाम में टॉप करने का उपाय बताइए। एपिल टावर से छलांग लगा ले, सब हो जाएगा। मैम मेरी दीदी के पूरे शरीर में सूजन आ गई है और पैरों में हमेशा दर्द रहता है, कोई उपाय बता। अबे हलवे डॉक्टर को दिखा। लंबाई बढ़ाने का टोटका बताइए मैम, ट्रक के नीचे लेट जाए मैम। लहसुन और काले धागे से किसी भी स्त्री और किसी भी पुरुष को आप हमेशा हमेशा के लिए कैसे अपने वश में कर सकते हैं? बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोट के बच्चे। मुझसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि इसका गलत प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो कोई गलत यूज कर सकता है तो बता क्यों रहा है भाई? बहुत लहसुन और काले धागे का यह जो टोटका है अब तक की लाखों करोड़ों आदमी का काम हो चुका। सो फाइनली अब दुनिया होगी मेरी मुट्ठी में। करना क्या है आपको, किसी भी तरीके के व्यसन को छोड़ देना है। वाह हलवे वाह, क्या तरीका बताया। अबे छोटी फैल से पूछ लेगा तो वो भी बता देगा। ये सुबह के समय दूसरी पूजा है जो 12 बजे होती है,
तीसरी पूजा आप 4 बजे और चौथी पूजा आप शाम को, रात को 9 बजे, रात को 10 बजे, रात को 12 बजे भी अलग अलग पूजा है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ओ भाई, महाशिवरात्रि नजदीक है और विवाह का उपाय ना बताया जाए ये तो हो नहीं सकता। हाँ, बस इसी के लिए तो हम 399 का रिचार्ज कराते हैं। स्क्रीन पर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे। दबा दिया। बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे। कर दी। आप 7 पीस अकवन का फूल, 7 पीस बेल पत्र, 7 पीस दुबी घास, 7 पीस लाल अड़ू का फूल, 7 पीस मीट, 7 भिंडी, 7 करेले, 7 अदरक, 7 आलू, 7 मूली काट ले और उनकी सब्जी बना ले। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं विधि से किया तो आपकी कोई भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी हो। अच्छा अच्छा है। धन की तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, अंबानी जी खुद 4-5 बोरी पैसे भेज देंगे। अरे बस करो आंटी, आप श्रिया घोषाल नहीं हो? मेरी चैनल ममता वीज में कैसे हैं आप सब? मस्त है आंटी हम सब। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें पसंद नहीं आता है आंटी, इसलिए हम सब्सक्राइबर नहीं करेंगे। कल अगर गलती से पड़ जाए भीड़ में, भीड़ भाड़ बहुत अधिक रहने से, तो आप वहाँ पर गुस्सा मत करिएगा। हाँ नहीं, जैसे हम तो वहाँ पे दंगा शुरू कर देंगे। हार मान जाइएगा। अच्छा, तो डोर बेल बजाते हैं उसको जगाने के लिए, जनाने के लिए कि हम आ गए, आप दरवाजा खोलिए। इस जानकारी को बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। घरेलू टोटके को माँ शिवरात्रि पर ले आए ये एक चीज, इतना आएगा पैसा संभाल नहीं पाओगे। अरे गाइस, नया वीडियो है ना, से बहुत दोष लगता है, हल्दी अर्पित कर देते हैं के ऊपर प्रसाद मत अर्पित की भी पूजा करें, दोनों या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरी वीडियो खत्म हो गई लेकिन जो थंबनेल में लिखा था वो कहीं नहीं मिला। डिसलाइक।